हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का ना बहुत सारा वाला वेलकम गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। तो आज के रीडिंग में ना हम लोग ये पता करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स अभी आपको लेकर के क्या चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल कंसीडर इन दिस वीडियो, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने चूज करना है दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। अगर आप लोगों का बर्थ हुआ है इन महीनों में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनमें हुआ है तो आप लोग इससे चूज कीजिएगा। अगर आप लोगों का बर्थ हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो आप लोग इस पाइल नंबर को यानी कि 2 को चूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के साथ आपका चाहे जो भी सिनारियो चल रहा है, उनकी करंटली फीलिंग्स क्या चल रही है आपको लेकर के, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इनको मैं साइड में रख देती हूँ और बेसिकली पाइल नंबर 1 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो माय ब्यूटीफुल लवली पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। चलो विचार करना तो शुरू किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन काफी समय से नहीं हुआ है, किसी तरीके का एक लॉन्ग कम्युनिकेशन गैप रहा है आप दोनों के बीच में और काफी समय हो चुका है आप लोगों की बात हुए। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये किसी भारी मुसीबत के अंदर है अभी हाल फिलहाल। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस मुसीबत में और क्या प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, ठीक है। ओके सो फूल। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। तो नो डाउट ये एक तरीके का सोलमेट रिलेशनशिप है। आप दोनों गाइज एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं और ये एक तरीके का सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आप दोनों के प्यार में ना किसी तरीके का कोई रुकावट, बनावट, किसी तरीके का कोई ऐसा नेगेटिव सी चीजें नहीं है। आप दोनों के प्यार में, आप दोनों का प्यार ना एक तरीके का सच्चा ट्रू लव है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का प्यार ना बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके की मिसाल रहा हो कि देखो यार उनके जैसा प्यार होना चाहिए, उनके जैसी चीजें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और फाइनली जब इस तरीके की टेंशन्स हुई, इस तरीके की नेगेटिविटी हुई, तो आप दोनों को बहुत बुरा भी लगा है। लेकिन आप दोनों ना अभी देखो 4 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है हमारे पास, वो यही चीज शो कर रहा है कि खुद की वजह से नहीं हो, आप दोनों किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के ऐसे नहीं हो। सेपरेशन फेज में आप दोनों की लाइफ में ना आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा है, मतलब रोल प्ले जो है आउटसाइडर्स का बहुत ज्यादा है आप लोगों की जिंदगी में। और ये रोल बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। एक्चुअली ऐसा नेगेटिव है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं था और ऐसा हो गया, ठीक है। कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई गलतफहमी पैदा करी, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप दोनों कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे, कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे और फाइनली नेगेटिविटी नेगेटिविटी हो गई, बहुत ही नकारात्मकता। ओके एनीवेज, सो पाइल नंबर 1 अभी अगर हम देखें तो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, एक बारी में ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं। घुमा फिरा के अगर बात ना करूं, सिंपल वे में बताऊं तो दिस पर्सन वांट अ रिकंसिलिएशन। लेकिन विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कुछ ऐसा है जो उनको बाउंड करके बैठा हुआ है, ठीक है, जो उनको पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये अब कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इनके हाथ में कुछ है नहीं, फिर भी इनका दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा है और हाल फिलहाल इनकी कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। मैं आपको ये बात भी बता दूं कि कि हाल फिलहाल इनकी कोई कर रहा है मदद। जैसे कि आप लोग देख रहे हो फूल का कार्ड है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप दोनों के प्यार का वेलविशर है, और वो पर्सन ये चाहता है कि आप दोनों एक हो सके। समझ रहे हैं कि आप दोनों एक हो सके, और आप दोनों अगर एक होंगे तो चीजें ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि ये कोई ऐसा वेलविशर है जो कि आपको भी जानता है और इस पर्सन को भी जानता है। कोई ऐसा इंसान है, मतलब इस पर्सन को तो ऑफकोर्स जानता है, इसका फ्रेंड है, आपको भी जानता है। हो सकता है आप इन्हें इतने अच्छे से ना जानते हो, लेकिन ये पर्सन आपके जो पार्टनर है उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो ये चाहते हैं एज ए वेल विशर, क्योंकि उनको पता है कि ना आप इनसे दूर होकर के खुश हैं, ना ही आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर होकर के खुश है, यानी कि एक दूसरे से आप लोग खुश नहीं है दूर होकर के। ये चीज उनको कहीं ना कहीं पता है। एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों एक हो जाएं, और आप दोनों को एक करवाने के लिए ये पर्सन ना बार बार इनको कुछ ना कुछ कहता रहता है कि यार तुम ऐसे करो, ये करो, वो करने की कोशिश करो। चलो अच्छी बात है, कोई तो अच्छा फ्रेंड है यहाँ पे। ओके सो निकलने को तो बहुत सारे कार्ड निकले हैं, बट मैं इसमें से एक तो ये लूंगी, और एक मैं ये वाला लूंगी, और एक मैं ये वाला लूंगी। ये टिकी नहीं रहा ना। ओके, अभी ठीक है आई थिंक। सो न्यू विजन, फाइटिंग, फ्लावरिंग, एंड एक कार्ड और निकालेंगे, ये वाला, गोइंग विद द फ्लो। लीजिए, आपके पास एक मैसेज भी आ गया। बॉटम ऑफ द डेक कंट्रोल का कार्ड है। ये इंसान अपने आप को ना कंट्रोल करके बैठा हुआ है। कैसे कंट्रोल? ये पर्सन चाहता है आपको कॉल करना, मैसेजेस करना, आपसे बात करना, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है एंजल्स की तरफ से कि आपको ना क्या करने की जरूरत है, आपको करने की जरूरत है एक नए तरीके से, नए विजन से आप लोगों को जो है देखने की जरूरत है। अगर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें कुछ दिखता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज हो नहीं रही है। ऑफ कोर्स उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, और वो भी हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपने फाइट करना बंद कर देना है, क्योंकि अब बारी है उनकी। दे विल फाइट फॉर यू। ओके, दे विल फाइट फॉर यू। फ्लावरिंग का कार्ड है। ये रिलेशनशिप दोबारा जल्द से जल्द बनने के चांसेस हैं। टेंशन आपने लेनी नहीं है बिल्कुल भी। जस्ट गो विद द फ्लो। आपने क्या करना है, फ्लो के हिसाब से बहना है, बस। तो ये इंसान अभी अपने आप को कंट्रोल में रखे हुए, आपको स्टॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल फिर आपसे बात करने का हो जाता है। तो ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, ना आपसे आपको कॉल वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनके मन से हूंक उठती है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, अपनी ही थिंकिंग से, अपनी ही लॉजिक से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनकी तरफ से नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और भाई ये वेल विशर जो भैया है हमारे, ये वेलविशर भैया क्या अच्छा कर सकते हैं, चलो चेक करते हैं। ओके, एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, एक कार्ड और निकालेंगे। कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वाओ, ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ कार्ड, गुड। ये जो वेलविशर भैया है ना हमारे, ये इनको देने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेंथ, और आने वाले ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर अंदर जो आपके पार्टनर है वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करने वाले हैं, कैसे ना कैसे तिगड़म करके आपके पास आने की कोशिश करने वाले हैं। वेलविशर जी ने अपना काम दिखा दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब ये पर्सन ना जो हमारे वेलविशर साहब है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें इनकी इमेच्योरिटी से हटा रहे हैं, इनको बोलने की कोशिश कर रहे हैं वी आर एम्परर और एम्प्रेस, ऐसी कंडीशन में आओ भाई, और अपनी जिंदगी को ना सही दिशा में लेके जाओ, सही सिरे से सोचने की कोशिश करो। ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी जिंदगी का कचरा क्यों कर रहे हो, क्यों उसको कूड़ा बना रहे हो। ठीक है, वो चीजें हो रही है यहाँ पे। इमेच्योरिटी जो है वो हटने वाली है, इमेच्योरिटी बिल्कुल हटने वाली है। याओ वाओ, आई एम सो हैप्पी। एम्प्रेस का कार्ड है, जिस चीज का आपको बरसों से इंतजार था वो फाइनली अब होने वाली है। सुपर्ब, कमाल हो गई साहब। कुछ मैसेजेस देखते हैं। आगे आने वाले 2 महीने में ये पर्सन किसी तरीके का स्टेप लेने वाले हैं, किसी तरीके की स्ट्रेंथ आने वाली है इन लोगों के जहन में। ठीक है, क्योंकि ये हमारे वेल विशर भैया जी का कमाल है। गुड, चलो एक कार्ड और निकालते हैं, और ये वाला, अच्छा एक कार्ड और निकालते हैं ना, 4 हो जाएंगे ना फिर, ये वाला। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उनके। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन, उनको पता है ये चीज कि आप जो है हर तरीके की सिचुएशन से लड़ जाएंगे उनके लिए और आप दोनों हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर लेते हैं. ओके, देन है हमारे पास यू आर ऑनेस्ट विद मी, यू रेस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक एंड यू आर माई सोलमेट. वाओ, ब्यूटीफुल. तो उनको ये चीज पता है कि आप उनके सोलमेट हो. तो ये थे उनके तरफ से मैसेजेस. एंजल गाइडेंस में मैंने आपको बताई है कि आपने नेगेटिव नहीं होना है, चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, न्यू विजन के साथ देखने की चीजों को कोशिश करनी है, अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचो. ठीक है, अपना ध्यान रखो, खुद से बहुत सारा वाला प्यार करो एंड ऑलवेज रिमेम्बर माई वर्ड्स. क्या हम जो सोचते हैं हम वही बनते चले जाते हैं, तो हमें अच्छा सोचना है. ठीक है, अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा. मैं आप सबसे बहुत सारा प्यार करती हूँ. लव यू बहुत बहुत सारा. बाय. Hi my beautiful pile number 2 people. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप सभी लोगों का बर्थडे आने वाला है. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस गाइस. जिन लोगों का भी बर्थडे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आता है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा वाला हैप्पी बर्थडे. चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार, ठीक लगा हुआ है ना, आखिरकार, ये देखो अभी ठीक है कि आखिरकार आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं भाई, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं. चलो, ओके, 10 ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ पेनिकल्स, पेज ऑफ पेनिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या फिर वो. ठीक है, स्टार कार्ड है हमारे पास, होप का कार्ड है, इसको ना मैं ऐसे रख देती हूँ. होप का कार्ड है हमारे पास. ठीक है, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या वो. फिर है हमारे पास यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स. नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है भाई, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है. ठीक है जी, ठीक है. जोडिएक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं. आपके जो पर्सन है ना, पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिक सोच बहुत ज्यादा लगा रखी है उन्होंने. बहुत ज्यादा पैसे 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 के पीछे भागे हुए हैं, बहुत ज्यादा पैसा 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 कर रहे हैं. उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ मनी, अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी, डिग्निटी, अथॉरिटीज, इन सब चीजों में लगा हुआ है कहीं ना कहीं. एंड दिस पर्सन इज वेरी होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप. बहुत ज्यादा होपफुल है वो इस रिश्ते को लेकर के. इनके दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारे खूबसूरत थॉट्स. दिस पर्सन सी यू एज ए क्वीन. ठीक है, ये इंसान आपको एज ए क्वीन देखते हैं और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. ओके, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. वट एवर सिचुएशन इज रनिंग राइट नाउ, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, ये इंसान आपको एज ए क्वीन देखते हैं. ठीक है, इनके दिमाग में यही थॉट आता है दैट यू आर अ ट्रू क्वीन. आप अब यहाँ पे जैसे जो लड़के देख रहे हैं वो, उसको यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ले लीजिएगा. ठीक है, तो आप उनको ऐसा फील करवा रहे हो जैसे यू आर दी अथॉरिटेटिव पर्सन, जिसके मन में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है, जो कि इतना सही इंसान है जैसे कि मानो फरिश्ता उतरा हो. ठीक है, इसने टिकना ही नहीं है. ऐसे रख देते हैं, ऐसे अभी. ठीक है, तो ये आपको ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप किसी तरीके के फरिश्ते हैं जो कि इस दुनिया में आए हैं जस्ट बिकॉज इनके लिए, इनकी हेल्प करने के लिए. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपने इस पर्सन की ना मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत हेल्प करी है. ठीक है, बहुत बहुत हेल्प करी है, हर तरीके से आपने इनकी मदद करने की कोशिश करी है. और ये इंसान ना उस मदद को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वे में देखते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में देखते हैं उस चीज को. ये इस तरीके से देखने की कोशिश करते हैं दैट कितनी अच्छी है ये कितनी प्यारी है, ये मेरा कितना ख्याल रखती है, शी इज दी वन जिसके साथ मुझे होना चाहिए. लेकिन ये पर्सन अभी बहुत मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा. ऐसा हो सकता है आपको टाइम कम दे रहे हैं, आपसे बात ठीक से नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ऐसे ही होता रहता है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि अपने काम के प्रति इतने ज्यादा ईमानदार हो गए हैं ना, बहुत ज्यादा. और ये चीज इनको कहीं ना कहीं पता है, कहीं ना कहीं ये चीज इनको पता है. एंड द थिंग इज, इनको ये भी पता है कि आप विकराल रूप भी धारण कर सकते हो. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप भी मेटेरियलिस्टिक हो सकते हो. और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है. सो दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू, लाइक ये इंसान आपसे जो है फेस टू फेस मिलना चाहते हैं. हो सकता है कोविड की वजह से काफी समय हो गया और आप दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है. तो ये इंसान ना आपसे मिलना चाहता है, आपको ना अपनी सारी की सारी फीलिंग्स बयां कर देना चाहता है कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ये है, वो है, ईच एंड एवरीथिंग. एंड मोर ओवर with this Knight of Swords card, this person wants to come to you with the beautiful gifts, prosperity and commitments. ठीक है, ये इंसान आपके पास कमिटमेंट के साथ आने वाला है. गाइस, आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है. इनकी ना ऐसा कह लो कि अगर ये पहले आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या आप भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं ना, तो ये बहुत जल्दी आपको इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, बहुत ज्यादा वाली. इनके ना आंखें खुल चुकी हैं अब कि इनका कौन अपना है कौन पराया है. इनको पता है दैट यू आर द ओनली वन. ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना, इनकी आंखें खुल गई हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं ये. इनको पता लग गया है दैट यू आर द ओनली वन. फिर है हमारे पास शेयरिंग, बर्डन, सब कुछ शेयर करने वाले हैं आपसे. ऐसा हो सकता है इस बार आप लोग मिलेंगे तो आप दोनों का फिजिकल रिलेशन, इंटीमेसी भी क्रिएट हो. लवर्स, सी दिस पर्सन इज योर सोलमेट. बॉटम ऑफ द डेक, इंटेंसिटीज बहुत हैवी और बहुत ही कमाल की गजब पैशनेट इंटेंसिटीज इन्वॉल्व हैं. बहुत कुछ सोच रहे हैं ये, बहुत बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है. काफी ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये अभी अपनी जिंदगी के अंदर, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं. कभी कभार इनके लाइफ में ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये आपको खुल के सब कुछ बता देना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि ये आपको सब कुछ अच्छे से खुल के बता दें और आप परेशान हो जाओ, ठीक है. इनके दिमाग में ये भी आ रहा है. देखो, सिंपल सी बात है, ये अपना प्यार रियलाइज कर चुके हैं, ये अपनी प्रॉब्लम रियलाइज कर चुके हैं, ये अपनी शेयरिंग रियलाइज कर चुके हैं, ये अपना सब कुछ रियलाइज कर चुके हैं और फाइनली आपके पास आना चाहते हैं. इनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर द ओनली वन, ठीक है. आप ही केवल एक ऐसे इंसान हो जिसने इनको बदला है. ओके, यू आर द ओनली वन जिसने इनको बदला है और अब फाइनली जो है ये चाहते हैं कि ये आपके साथ हो जाए, मतलब आपके साथ शादी में बंध जाए. कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है. एक तरीके का प्रॉपर शादी का कमिटमेंट जो आप काफी समय से चाह रहे थे इनसे. चलो मैं देखती हूँ नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है. अब मुझे हंसी आ रही है बहुत. सी हमारे पास है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है. और हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स का कार्ड. अभी ये पर्सन किसी ना किसी तरीके का बर्डन फील कर रहा है, जैसा कि मैंने दो बार आया हमारे पास 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, ठीक है. बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो लड़के देख रहे हैं भाई वो इसको ना किंग ऑफ कप्स देख रहे हैं, तो किंग ऑफ कप्स आ गया भाई, ठीक है. आप दोनों जोड़े में हो, ऐसी बात नहीं है. तो ये पर्सन आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं इन्हीं गर्मियों में, ठीक है. अगर आप लोगों ने अभी वो समर वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप लोग वो वीडियो जाकर के जरूर देखें. मैंने बताया भी था वो समर वाले वीडियो के बारे में. टावर का कार्ड है, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए हैं, अब ये बस कर जाना चाहते हैं, अब बस चाहते हैं ये कि खत्म हो सब कुछ. प्लीज एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेप ये वाला लेंगे. नेक्स्ट स्टेप ठीक है. किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेनिकल. क्या चाहिए और क्या चाहिए बताओ. एक इंसान से हमें क्या चाहिए? अपने बर्डन, अपने आंसू, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना सुख दुख सब कुछ शेयर करना चाह रहा है आपसे. आपकी जिंदगी में वापस आना चाह रहा है, एक पॉजिटिव आउटकम के साथ आना चाह रहा है. एंड दिस पर्सन ओनली वांट्स यू एंड यू, जस्ट सिंपली आपको चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और ये कुछ नहीं चाह रहे हैं अभी हाल फिलहाल. ये अपनी जिंदगी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. यू मेक मी फील सिक्योर, आप इन्हें सिक्योर फील करवाते हैं. यू लव मी, यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन एंड यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, ठीक है. तो खुश हो जाइए आप लोग, हैप्पी हो जाइए. देखो पॉजिटिव आपने सोचा तो आपको पॉजिटिव आउटकम मिल रहे हैं ना, ठीक है. स्टार का कार्ड था ना वहां पे, आप लोग हो सकते हैं बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो अब आना चाह रहे हैं आपके पास में। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोग अभी भी बर्डन फील करते हैं, अभी भी नेगेटिव रहते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा सब्र। लेकिन जो लोग हर वक्त पॉजिटिव रहते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, जो इस इंसान को स्टॉक नहीं करते हैं, हाँ रीडिंग्स वगैरह देख लेते हैं, दैट्स नॉर्मल थिंग, आप एक करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप देखना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब आप एकदम शांत हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, आपके मन में किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आपकी इंटेंसिटीज इतनी हाई हो चुकी हैं, आप इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अब आपको किसी भी चीज से बुरा नहीं लगता है, आप हर चीज को ना ऐसे चुटकियों में हल कर देते हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर यू गाइस। मैक्स टू मैक्स गर्मी खत्म होने तक। वैसे मुझे बहुत लोगों के लिए जून जुलाई के कार्ड्स फील हो रहे हैं। जून जुलाई में फॉर श्योर दिस पर्सन इज कमिंग विद अ कमिटमेंट। ओके, आ रहे हैं ये एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट के साथ। अपने आप से बहुत सारा प्यार कीजिएगा गाइज। मैं भी आप सभी लोगों से बहुत बहुत सारा प्यार करती हूँ। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू बहुत बहुत सारा। बाय।